अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है जब मैं वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पर हम बारबेक्यू पार्टी प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो छत पे सफाई होगी क्योंकि छत पे ही हम पार्टी प्लान कर रहे हैं। और शाम को हमने सफाई कर ली है और अभी इस वक्त हमारा जो है वो लाइटनिंग का काम कर रहे हैं। हमारे भाई प्यारे से यहाँ पे लाइटें लगा रहे हैं। तो जब तक भाई काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर मेहमानों के बैठने की जगह बना देती हूँ। दरी बिछा रही हूँ और इसके ऊपर मैं कालीन लगाऊंगी तो बहुत अच्छा सा एक लुक आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं सारा काम निपटा लेती हूँ इससे पहले कि मेहमान आ जाएं सारे। जी, तो यहाँ पे सारा सेटअप कंप्लीट हो गया है और मेहमान भी आ गए हैं। मेहमान क्या, ये सारे बच्चे ही आ गए हैं ऊपर पहले और खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और खेल रहे हैं। मेरी सिस्टर्स ने असल में आज ही इस दावत में आना था और यहाँ पर आप देखें तो कितना मज़ा कर रहे हैं बच्चे। दूसरी तरफ भाई ने यहाँ पे लाइटनिंग भी सेट कर दी है और देखें कितनी जो है अच्छी लाइटनिंग हो गई है। और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे बच्चों को एंजॉय करते हुए खेलते हुए देख के आ रहा है। और यहाँ पर पापा जो हैं वो बारबेक्यू स्टार्ट करने लगे हैं। कोयले जो है वो डाल रहे हैं, थोड़ा छोटा करके तोड़ रहे हैं और ये बारबेक्यू स्टार्ट हो गया। देखें तो कितने मज़े से जो है बारबेक्यू स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर सारी जो है वो स्टिक्स बन रही हैं, इन पे मीट लग रहा है, बोटियाँ जो तिक्का बोटी है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी हेल्प करूं पापा की, तो मैं बैठ गई और जल्दी जल्दी मैंने भी बहुत सारी सीखे बनवा ली साथ में। थोड़ी मुश्किल हुई शुरू में क्योंकि अब मैं तो कोई बारबेक्यू वाली नहीं हूं, तो बहुत अच्छे से खैर बन गई। बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और यहाँ पर पापा ने एक एक करके लगानी शुरू कर दी स्टिक्स बारबेक्यू की और बहुत बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा भी आया हम सबको। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये कि जो कबाब होते हैं, सीख कबाब जिनको कहते हैं, वो किसी से भी नहीं लग रहे थे। जो लगा रहा था उससे टूट रहे थे और मैंने कहा कि चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ट्राई किया तो सब हंसने लगे कि तुमसे नहीं होगा। तो मैंने कहा जो है वाई नॉट, क्यों नहीं होगा। एक ख़राब किया, दूसरा ख़राब किया, फिर तीसरी बारी में देखे मैंने क्या किया। ऐसे परफेक्टली मैंने कबाब बनाया जैसे कि कोई मैं वाकई बारबेक्यू बनाने वाली शॉप चलाती हूँ। देखें तो कितना फाइन कबाब बना और एंड में तो इतने मज़ेदार कबाब के 2 सेकंड में मैं बना के अब्बू को दिए जा रही थी। और मेरी सिस्टर्स भी स्टार्ट हो गई, उन्होंने भी कहा कि अब हम भी हिम्मत कर लेते हैं। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से कबाब बनाए और पापा भी बहुत खुश हो गए के वाह जो है अब ये तो बहुत अच्छे बन गए हैं, तो अब तुम ही बनाओ। वैसे ऐसे होता है कि अगर आपने एक चीज़ अच्छी बना ली है तो वो आपकी ड्यूटी बन जाती है। और इसी तरह हमारे साथ हुआ और मैंने कोई बहुत ज़्यादा जो है जितने भी कबाब थे वो ऑलमोस्ट मैंने ही बनाए क्योंकि मेरी ड्यूटी लग गई एक अच्छी चीज़ बनाने के बाद। और यहाँ पर अब्बू सेक ही जा रहे थे, इनको बारबेक्यू कर रहे थे और हमारा बारबेक्यू ऑलमोस्ट जो है वो बन चुका है। यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा रह गया, असल में हमने फैमिली ज़्यादा बुलाई थी, साइड सिस्टर्स और जितनी भी फैमिली मेम्बर्स थे, तो उनके हिसाब से हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो देखिए कितना मज़ेदार सा यहाँ पे सीख कबाब और तिक्का बोटी जो है वो बन रही है, बहुत मज़ेदार। देख के पानी आ रहा था लेकिन हम सब ने खुद को कंट्रोल किया कि साथ साथ हमने खाना नहीं है और सबने एक साथ बैठ के खाना है। तो यहाँ पर हमने
पार्टी शुरू कर ली है और सब डालना शुरू हो गए हैं। बहुत मज़ेदार कबाब बने थे, सब ने बहुत तारीफ़ की। ये असल में रेसिपी मेरे भाई ने बनाई थी, मसाला मेरे भाई ने लगाया था और बहुत ही मज़ेदार बनाया था। तो यहाँ पर मैं भी टेस्ट कर रही हूँ, बहुत मज़ेदार मुझे भी लगा। तो आई होप आप सबको भी बहुत इन्जॉयमेंट हुई होगी। तो ये है आफ्टर पार्टी लुक, जिसमें के सब मेहमान जा चुके हैं और मुझे यहाँ पर सारे बर्तन भी समेटने पड़ रहे हैं और सारी छत को दोबारा साफ़ करना पड़ रहा है। एक शुक्र है कि मेरे घर जो है वो काम वाली आंटी आती हैं, तो वो हेल्प करवा देती हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैं सारा सामान समेट रही हूँ। तो आई होप आप सबको भी आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा होगा और आप सब ने भी मेरे साथ खूब इंजॉय किया होगा। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल। ईद मुबारक आप सबको। अल्लाह हाफिज़।